नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, जिंदाबाद होंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, आज आपके हाईकोर्ट में यूपी लेखपाल वैकेंसी को लेकर सुनवाई है और उसमें जो महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जो बच्चे को चिंतित कर रही है वो उज्ज्वला वाला प्रश्न है। तो उज्ज्वला वाले प्रश्न का लाइव अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन लगाया है, आखिरकार कितने बच्चे कॉमन अंक चाह रहे हैं और कितने बच्चे यह चाह रहे हैं कि आखिरकार परीक्षा निन्यानवे अंक की होनी चाहिए। बिल्कुल लाइव अपडेट में आपको दिखाऊंगा, आपका ही जवाब है, आप लोगों ने खुद ने यह जवाब दिया है कि मैंने यह ऑप्शन लगाया है और उसने यह लगाया है। तो बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहना है और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बताया है कि तुमने कौन सा ऑप्शन लगाया है उज्ज्वला वाले प्रश्न में आंसर का, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए या फिर जो कम्युनिटी टैब में मैंने डाला है उसमें वोट डाल दीजिए। तो मित्रों, मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि आपको पता है उज्ज्वला वाले प्रश्न को लेकर, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, उज्ज्वला वाले प्रश्न को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट में आपके लिए लेकर आया हूं। पहली बात तो ये, मैं आपको बता देता हूं जो उज्ज्वला वाला जो क्वेश्चन था उसका कितने प्रतिशत बच्चों ने क्या ऑप्शन लगाया है, क्या उत्तर लगाया था। तो मैं आपको बता दूं, आप स्क्रीन पर देखना, जो कम्युनिटी टैब मैंने डाला था उसमें बच्चों ने वोट किया है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने अभी तक वोट नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कम्युनिटी टैब में जाकर वोट करें। यहां पर मैं आपको बता दूं, जो आपका उज्ज्वला वाला प्रश्न था उसका जो ए ऑप्शन था उसमें कितने प्रतिशत, आप वहां पर देखना, वो प्रूफ में आपको दिखा रहा हूं और मैंने यहां पर लिख रखा है, मैं इसमें से बता रहा हूं। आप यहां पर देखना कि जो ए ऑप्शन जो था उज्ज्वला वाला प्रश्न का, उसमें 26% बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है। वहीं पर पूरे 212,000 बच्चों का अंदाजा लगा रहा हूं मैं इस हिसाब से कि यहां पर बी ऑप्शन 20% बच्चों ने, सी ऑप्शन 11% ने और डी ऑप्शन 26% ने। यानी कि आयोग जिसको उत्तर दे रहा है ना, नन ऑफ दीज, और बच्चे जिसको सही बता रहे हैं वो डी ऑप्शन है, जो केवल मात्र 26%। आप 212,000 का 26% निकाल सकते हैं, कितना हो सकता है, मात्र 26% बच्चों ने यहां पर डी ऑप्शन लगाया है। और जिन्होंने, मैंने एक पांचवा ऑप्शन डाला है कि नॉट अटेम्प्टेड, यानी कि जिन बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया, तो आपके पूरे 18% बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने उज्ज्वला वाला प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किया। यानी कि आप यहां पर देख सकते हो कि अगर यहां पर जो आयोग है डी आपके प्रश्न को सही करता है तो केवल 26% लोगों का फायदा होने वाला है। आप लोग जल्दी से छाप दीजिए कि आपने उज्ज्वला वाले प्रश्न का उत्तर क्या लगाया है। और अगर यहां पर जो आयोग है वो कॉमन अंक देता है तो यहां पर पूरे, यहां पर 26 प्लस 46 46 और 47 57, और जो 18% ये है, आप, मैं यहां पर बता दूं 65 और 75%, लगभग 74% बच्चों का फायदा होने वाला है। और मैंने एक कम्युनिटी टैब और डाला था कि यहां पर परीक्षा 99 अंक की होगी या कॉमन अंक मिलेगा, तो आप स्क्रीन पर उसको भी देख लीजिए। मैं आपको बता दूं 79% बच्चों ने यह कहा है कि कॉमन अंक मिलेंगे, कि कॉमन अंक मिलने की पूरी संभावना है। तो मैं आपको बता दूं उज्ज्वला वाले प्रश्न को लेकर जो ही अपडेट था कि आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन लगाया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बताया है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, कम्युनिटी टैब में जाकर वोट करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी कोर्ट का क्या निर्णय निकल के आता है। कि बच्चों का निर्णय तो यह है कि 99 अंक की परीक्षा होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, तो 79% बच्चों ने तो यह कहा है कि 99 अंक की परीक्षा होनी चाहिए। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, पूरे कम्युनिटी टैब को आप देख लीजिए। और मैं आपको बता दूं, जो आयोग की तरफ से और जो कोर्ट की तरफ से जो निर्णय आएगा, क्योंकि यह तो बच्चों का निर्णय था, अब आयोग और कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय आता है, जैसे ही निर्णय आएगा एकेजीएस रिसर्च सेंटर सबसे पहले आपके सामने उस निर्णय को लेकर उपस्थित रहेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कम्युनिटी टैब में अगर अभी तक आपने जाकर वोट नहीं किया है तो जाकर जरूर वेट करें, लाइक करें और शेयर करें और लोगों तक भी वीडियो पहुंचाएं, जिससे पता चल सके कि कितने लोगों ने क्या उत्तर लगाया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।